हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस चैप्टर में मैग्नेट्स के बारे में पढ़ेंगे। बट बिफोर स्टार्टिंग द लेक्चर, आई वुड लाइक टू आस्क समथिंग टू यू। मे बी यू हैव सीन हीप ऑफ वेस्ट मटेरियल्स। हीप मीन्स कूड़े का ढेर। होता क्या है कि इन वेस्ट मटेरियल्स के हीप्स में बहुत सारे ऐसे हीप्स होते हैं जिसमें कुछ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल्स होते हैं, लाइक प्लास्टिक, वुड, पॉलिथिन एंड आयरन स्क्रैप। नाउ द क्वेश्चन इज, इफ देयर आर आयरन ऑब्जेक्ट्स प्रेजेंट इन अ हीप ऑफ वेस्ट मटेरियल, देन हाउ इज स्क्रैप आयरन सेपरेटेड फ्रॉम द हीप? इन दीज पिक्चर्स यू आर सीइंग द मशीन इज नोन एज क्रेन। स्क्रैप आयरन इज सेपरेटेड फ्रॉम द हीप ऑफ वेस्ट मटेरियल बाय यूजिंग दीज मशीन्स। देयर इज अ बिग मैग्नेट फिटेड टू एन एंड ऑफ अ क्रेन। व्हेन सच क्रेन इज लोअर्ड ऑन टू द हीप ऑफ वेस्ट मटेरियल, देन द स्क्रैप आयरन ऑब्जेक्ट्स प्रेजेंट इन द हीप स्टिक टू द मैग्नेट। द क्रेन इज देन मूव्ड अप एंड अवे टू ड्रॉप दीज स्क्रैप आयरन ऑब्जेक्ट्स एट अ सेपरेटेड प्लेस। अगर आप लोगों को रियलिटी में देखना है कि ये कैसे होता है, तो मैंने चार टाइप्स की वीडियो हैं जिनके लिंक्स को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप वहां से ये वीडियोस देख सकते हैं। नाउ लेट मी टेल यू अबाउट पिन होल्डर। डू यू नो हाउ मैग्नेटिक पिन होल्डर वर्क्स? देयर इज मैग्नेट इनसाइड दैट बॉक्स एंड बिकॉज ऑफ दैट पिन स्टिक और क्लिंग टू मैग्नेटिक पिन होल्डर। इसकी भी एक यूट्यूब वीडियो है, सो आई विल सजेस्ट कि आप इस वीडियो को जरूर देखें और अपने घर में मैग्नेटिक पिन होल्डर बनाने का ट्राई करें। इन बोथ एग्जाम्पल वी यूज अ वर्ड इज मैग्नेट। बिकॉज ऑफ मैग्नेट क्रेन वॉज एबल टू सेपरेट द आयरन ऑब्जेक्ट एंड आयरन पिन क्लिंग टू द पिन होल्डर। सो द क्वेश्चन इज, वट इज एग्जैक्टली अ मैग्नेट? मैग्नेट इज द सब्सटेंस हैविंग द प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्टिंग आयरन। नाउ अगेन, who discovered this substance that is magnet? There is a story about a shepherd named Magnus who lived in Magnesia in ancient Greece. Magnus was herding his sheep through the mountains. Suddenly he noticed the metal cap of his stick and nail in his sandals got stuck to a rock. He began digging and discovered the first recorded lodestone. From this, lodestones were known as magnetite, probably named after Magnus or Magnesia. इसकी भी एक YouTube वीडियो है जो कि एनिमेटेड वीडियो है। आई हैव गिवन लिंक इन डिस्क्रिप्शन। सो सेम थिंग विच आई टोल्ड यू हेयर, यू कैन वॉच देयर ऑल्सो। सो मैग्नेट्स आर अवेलेबल इन टू फॉर्म, दैट इज नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। हेयर आर सम एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल एंड आर्टिफिशियल मैग्नेट। Like natural magnets found in nature, whereas artificial magnet made by man. Natural magnets are weaker as compared to artificial magnets. Natural magnets are permanent magnets, while artificial magnets are temporary or permanent magnet. There are also some materials which get attracted towards magnet, and certain materials which do not get attracted. So we can categorize all materials in two ways, that is magnetic and non-magnetic material. The material which get attracted towards a magnet are magnetic material, and which do not get attracted are non-magnetic material. For example, nickel, iron, cobalt, all are magnetic material. आप लोग इसे निक के नाम से भी याद रख सकते हैं। And plastic, gold, silver are non-magnetic material. Now let me ask you some question. For example, iron nail is magnetic or non-magnetic? Magnetic. Glass is a magnetic or non-magnetic? Non-magnetic. Aluminium can is magnetic or non-magnetic? Non-magnetic. Cobalt knife is magnetic or non-magnetic? Magnetic. Copper coin, silver coin are magnetic or non-magnetic? Non-magnetic. And nickel coin is magnetic. Now the most curious question is, steel magnetic material or not? So nearly all steel you find or see is not a magnet. However, steel could be manufactured to be made into a magnet. That's why steel is known as ferromagnetic material. So till now we have understood about what is magnet,
हाउ मैग्नेट इज डिस्कवर्ड, द लास्ट वन इज डिफरेंस बिटवीन मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक मटीरियल।